तो मूवी स्टार्ट होती है चेस को दिखाते हुए। वो अपने पीछे पड़े बहुत से ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो भागते हुए एक गेट के अंदर आता है और गेट बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ रहें। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि गेट की इस तरफ भी दो ज़ॉम्बीज़ थे जो उसके पीछे बैठ चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर जो ज़ॉम्बी बन चुका था, सबसे पहले वो चेस के ऊपर हमला करता है। लेकिन चेस यहाँ हिम्मत दिखाते हुए उसी से उसी की गन लूट कर उसे शूट करके मार देता है। लेकिन फिर यहाँ पर जो जोकर ज़ॉम्बी था वो उसके पीछे पड़ चुका था, वो उसे गिराकर उसके ऊपर चढ़ गया और इस ज़ॉम्बी से चीज का बचना मुश्किल हो गया। इतने में बाकी ज़ॉम्बीज भी गेट तोड़कर अंदर आने लगे और इससे पहले कि ये सब मिलकर चेस को काट खाते, सीन यहीं से कट होकर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम हुआ कि चेस एक रिपोर्टर है, उसके साथ उसकी कैमरा वुमन जॉर्डन भी थी और ये लोग शहर में फैली नए पेंडेमिक के ऊपर रिपोर्ट बना रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। मालूम हुआ है कि इस मुल्क में पहले भी बहुत से ऐसे पेंडेमिक्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उनको नॉर्मल इंसान बनाए रखने के लिए ज़ॉम्ब्रेक्स नामी एक मेडिसिन भी निकाली गई है। और जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन्हें नॉर्मल इंसान बनने के लिए हर रोज ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। यहीं पर चेस क्रिस्टा नामी एक लड़की का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब चेस सीक्रेटली मेडिकल कैंप्स में जाकर रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ इन्फेक्टेड लोगों को वही ज़ॉम्ब्रेक्स नामी मेडिसिन से इंजेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि वो सीक्रेटली अंदर किया था, इसलिए उसकी कैमरा वुमन जॉर्डन उसके साथ नहीं थी। वो बाहरी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहाँ वो नोटिस करती है कि बाहर एक आदमी उनकी आंखों के सामने ही ज़ॉम्बी में बदल गया। और कैंप के अंदर जहाँ चेस था वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि ज़ॉम्ब्रेक्स मेडिसिन इंजेक्ट करने के बावजूद भी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। कैंप में मौजूद एक के बाद एक सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और कैंप के बाहर भी तकरीबन यही हाल था। और अब इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए बाकी बचे हुए इंसान अपनी जान बचाने को भाग रहे थे। जॉर्डन भी जाकर जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है और चेस का इंतजार करने लगती है। लेकिन इतने में ही एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गया और अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन उसे यहाँ से जाना पड़ा। चेस जब बाहर निकला तो उसकी कार बाहर नहीं थी। वो देखता है कि क्रिस्टल अकेली ही ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। वो भी उसका साथ देने लग गया, क्योंकि जब तक ये दोनों साथ थे ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज का मुकाबला करके जिंदा रह सकते थे। भागते हुए एक ज़ॉम्बी ने चेस का पांव भी पकड़ लिया। क्रिस्टल उसे बचाने के लिए पीछे नहीं पड़ी, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागती रही और यहाँ चेस ने खुद इस ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचाई। भागते हुए एक गेट से दूसरी तरफ आते हैं, जहां इन्हें एक औरत मिलती है। वो औरत सदमे में बैठी थी, क्योंकि अभी उसने खुद अपनी बेटी का मर्डर किया था, क्योंकि उसकी बेटी एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। ये लोग जबरदस्ती उस औरत को अपनी कार में बिठाते हैं और यहाँ से चल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठकर चेस अपनी एक एंकर कॉल करता है, जो उसकी कॉल को लाइव न्यूज चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर देती है। चेस उन्हें बताता है कि अब ज़ॉम्ब्रेक्स मेडिसिन इन्फेक्टेड लोगों पर कोई असर नहीं कर रही। इन्फेक्टेड लोग बहुत ही तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। कार ड्राइव वही औरत कर रही थी जो अभी सदमे में थी। इसी वजह से कार क्रैश हो जाती है और क्रिस्टल जल्दी से उतर कर अपनी जान बचाने के लिए एक शॉप के अंदर जाकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है। अब चेस और उसके साथ बैठी हुई लड़की जिसका नाम मैगी है, वो लोग भी क्रिस्टल के पास आकर उसे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच जाएं। लेकिन क्रिस्टल दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। आखिर वो वक्त भी आ जाता है जब ज़ॉम्बीज़ इनके बहुत करीब थे और ये लोग बस मर ही जाते। तब क्रिस्टल आखिर उनका दरवाजा खोल ही देती है। इस शॉप के स्टोर में जाकर ये लोग यहाँ पे पड़ी हुई चीजों के जरिए वेपन्स बनाने लगते हैं, जिनकी मदद से ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ पाए। यहाँ जॉर्डन जो कि कैमरा वुमन थी चेस की, वो क्वारंटीन जोन से सेफ जोन की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो ये बॉर्डर क्रॉस कर लेती, ऑफिसर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि वायरस और खतरनाक हो चुका है। अब ये हवा के जरिए भी फैल रहा है और किसी भी क्वारंटीन जोन में रहने वाले आदमी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। लेकिन अनाउंसमेंट के खत्म होने से पहले ही जॉर्डन वो बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी। ऑफिसर उसे वापस जाने को कहते हैं, लेकिन जॉर्डन तो पीछे जाने को तैयार ही नहीं थी। इतनी देर में बॉर्डर बंद होने से पहले एक और फैमिली भी वो बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, जिससे ये ऑफिसर्स मार देते हैं। और इन सारी चीजों की वीडियो जॉर्डन अपने मोबाइल में बना लेती है। इतने में ही उसे चेस की कॉल आई और इसी कॉल के दौरान ऑफिसर्स उसे उठाकर एक मिनी क्वारंटीन रूम में ले जाते हैं, जहाँ जाते ही उसने चेस को बताया कि यहाँ पर ये आर्मी लोगों को मार रही है और अब क्वारंटीन जोन से निकलने के लिए बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो गया। उसने अपने साथ खड़ी हुई बाकी दोनों लड़कियों को भी अब बताया कि वो यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं। बचने का एक ही रास्ता था उसके पास,
कि वो सच्चाई दोबारा सबको बताए। वो दोबारा न्यूज चैनल पे कॉल करता है और लाइव सब लोगों को बताता है कि पुलिस सबसे झूठ बोल रही है, आप लोगों के साथ झूठ बोला जा रहा है, हम लोग अभी तक क्वारंटीन जोन में ही है और बिल्कुल ठीक है, हम ज़ॉम्बीज नहीं बने और ये बात झूठ है कि हवा में वायरस फैल रहा है। इनको उम्मीद थी कि अब वो क्वारंटीन जोन का गेट खोल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उसके कहने से ये फैसला नहीं कर सकती थी। यहाँ पर चीज को ये भी पता चलता है कि क्रिस्टल, जिसके साथ अभी वो यहाँ फंसा हुआ था, वो भी पहले से ही इन्फेक्टेड थी और नॉर्मल रहने के लिए वो ज़ॉम्ब्रेक्स लेती थी। ये सोचकर अब वो डरने लगा, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा कि ज़ॉम्ब्रेक्स अब ज़ॉम्बीज के ऊपर काम नहीं कर रहा था। क्रिस्टल यहाँ उसके सामने ही अपने आप को ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करती है और हैरानकुन बात ये थी कि ये उसके ऊपर वर्क कर रहा था। ये बात वो फोन करके जॉर्डन को बताता है और जॉर्डन कहती है, क्रिस्टल तुम्हारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है, तुम उसका इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। यहाँ जॉर्डन, जिसे भी छोटे से क्वारंटीन जोन में रखा गया था, उसका टेस्ट करने के बाद उसे भी इन लोगों ने फ्री कर दिया। अब जो झूठी बातें गवर्नमेंट ने फैलाई थी कि वो वायरस ज्यादा खतरनाक हो गया है, हवा के जरिए भी लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है और ज़ॉम्ब्रेक्स किसी के ऊपर असर नहीं कर रहा, तो ये सब झूठ था। ये सारी बातें वो यहाँ के हेड डॉक्टर को बता देती है, लेकिन हेड डॉक्टर उससे सबूत मांग रहे थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान जॉर्डन देखती है कि यहाँ पर US मिलिट्री आ गई है सब चीजों को अपने काबू में करने के लिए। मिलिट्री इंचार्ज अगले 24 घंटों में क्वारंटीन जोन में बमबारी के ऑर्डर दे देता है ताकि वहाँ पे सभी लोग भी मर जाए और वायरस भी खत्म हो जाए। जबकि दूसरी तरफ हमें चेस को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल से बात करने की कोशिश करता है। वो क्रिस्टल से पूछता है, तुम्हारे ऊपर ज़ॉम्ब्रेक्स कैसे वर्क कर रहा है? तो जवाब में क्रिस्टल बताती है कि वो जो ज़ॉम्ब्रेक्स इस्तेमाल कर रही है वो गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी से ज़ॉम्ब्रेक्स लेती है, शायद इसीलिए ये काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसके पास भी अब एक ही ज़ॉम्ब्रेक्स बचा था और अगर उसे नॉर्मल रहना था तो उसे एक दिन के अंदर अंदर इस जगह से बाहर निकलकर बाकी ज़ॉम्ब्रेक्स खरीदने थे। अभी वो इसी चीज की टेंशन में थे कि टीवी न्यूज के जरिए उन्हें ये बात पता चली कि जिस क्वारंटीन जोन के अंदर वो फंसे हुए हैं, वो अगले 24 घंटे के अंदर तबाह कर दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम थी ही थी कि यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स भी आ गए लोगों को तंग करने के लिए। वो गैंगस्टर्स इस स्टोर में आ गए यहाँ से कुछ चीजें उठाने के लिए, जिनसे बचने के लिए ये तीनों छुप गए। ये गैंगस्टर यहाँ की तलाशी लेने के बाद जाने ही वाला था कि अचानक उसे क्रिस्टल का बनाया वेपन दिखता है जो उसने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बनाया था। उसने इस वेपन को उठा लिया और अब उसे ये भी पता चल गया कि अंदर कोई लोग भी है। जैसे ही वो इन तीनों को ढूंढ कर इनके पास पहुंचा तो क्रिस्टल ने उसे देखते ही उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी और उसकी तो जैसे हवाया ही उड़ गई। क्या ये गैंगस्टर उन्हें डरा था? यहाँ क्रिस्टल ही उस गैंगस्टर को डरा कर उसके सारे वेपन्स भी ले लेती है और उसे यहाँ से भेज देती है। बाहर जाकर इस गैंगस्टर ने इन लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये खुद ही सबका लीडर था। बाहर आने पे एक कपल इन गैंगस्टर्स को देख लेता है, वो भी अभी तक वायरस का शिकार नहीं हुए थे। वो इनकी मदद मांगते हैं ताकि ये लोग इन्हें किसी तरह दूसरी तरफ निकाल दें, लेकिन ये लोग उनके साथ अच्छा नहीं करते, हस्बैंड को मार देते हैं और उस औरत के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो औरत इनसे बचने के लिए दूसरी तरफ भागती है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज का शिकार होकर मारी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टल भी अब और ज़ॉम्ब्रेक्स ढूंढने के लिए बाहर निकल चुकी थी। इनकी दूसरी साथी भी उसके पीछे ही चली जाती है। अब चेस के पास भी यही ऑप्शन था कि वो इन दोनों की मदद करे ताकि वो दोनों उसकी मदद कर पाए। वो जॉर्डन को कॉल करता है और कहता है, पता चलाओ टाउन में कहाँ कहाँ ज़ॉम्ब्रेक्स के सप्लायर्स हैं, ताकि वहाँ से वो ज़ॉम्ब्रेक्स लेकर क्रिस्टल को दे पाए और फिर उससे मदद ले पाए। वो अपने लिए एक वेपन बनाता है जिससे वो अपने सामने आने वाली ज़ॉम्बीज को मार सके और बाहर निकल जाए। जब वो बाहर निकला तो उसके ऊपर जैसे ज़ॉम्बीज की बारिश हो गई। ये ज़ॉम्बीज इतने थे कि इन सबको वो मार नहीं सकता था। ऑप्शन यही था उसके पास कि वो अपना भारी सा वेपन फेंके और अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्पीड फुल कर दे। अपनी जान बचाने के लिए वो भागते हुए एक गेट के अंदर आकर गेट बंद कर देता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इन सभी ज़ॉम्बीज को लॉक करने के बाद उसका सामना हुआ पुलिस ऑफिसर से, जिसकी गन लेते हुए उसने उसे तो मार दिया, लेकिन अब इस जोकर से वो बच नहीं पा रहा था और पीछे से बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी दरवाजा खोल कर उसके पीछे पड़ चुके थे। इससे पहले ही ये सब उसे मार देते, एक गाड़ी जल्दी से इस जोकर को हिट करती है और मौके का फायदा उठाते हुए चेस जल्दी से नीचे से उड़ जाता है। ये गाड़ी क्रिस्टल ही लेकर आई थी उसे बचाने के लिए। चेस भी इनकी गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी में बैठे हुए ही चेस को ज़ॉम्ब्रेक्स सप्लायर्स की लोकेशन भी मिल गई जो उसे जॉर्डन ने ही चोरी करके भेजी थी। ये तीनों जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्ब्रेक्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में रखे हुए थे, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट की सप्लाई थी जिससे ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि क्रिस्टल के दूसरी साथी वो यहाँ बने हुए एक कमरे को खोल लेते हैं, जिस कमरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अब ज़ॉम्बी बने हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची उसे यहाँ पर नजर आती है जिसे वो अपनी बेटी समझकर गले लगा लेती है और ऐसे में ये सारे उसे काट खाते हैं।
अब दोबारा चेस को जॉर्डन की कॉल आती है और जॉर्डन चेस से कहती है कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की सप्लाई है तो किसी तरह तुम प्रूव करो कि जितनी भी खराबी है वो इन ज़ोम्ब्रेक्स में इन्हीं इस मेडिसिन में ही है, वो वायरस म्यूटेट नहीं हुआ, वो वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ, सिर्फ यही प्रूफ करने के बाद तुम यहाँ से निकल पाओगे। यही बात चेस क्रिस्टल से भी कहता है, वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारी भी जान बच जाएगी, देखो तुम पहले से ही इन्फेक्टेड हो, अगर तुम ये गवर्नमेंट वाली ज़ोम्ब्रेक्स लगा लोगी तो इसमें हम दोनों का फायदा है, अगर तो तुम ज़ॉम्बी में बदल गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सप्लाई ही खराब है, और फिर तुम अपनी वाली ज़ोम्ब्रेक्स लगा लेना जिससे तुम दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाओगी। जेस कहता है कि मैं इस सबको रिकॉर्ड करके वायरल कर दूंगा और ऐसे हमारे बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इस मरतबा क्रिस्टल भी मान गई और उसने जेस के कहने के मुताबिक पहले ये गवर्नमेंट वाली ज़ोम्ब्रेक्स अपने अंदर इंजेक्ट की। इसके इंजेक्ट होते ही वो भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी, और इससे पहले कि वो अपना पूरा कंट्रोल खो देती वो दूसरी ज़ॉम्ब्रेक्स लगाने लगती है, लेकिन उसके हाथ से ये ज़ॉम्ब्रेक्स गिर गई और अब वो पूरी ज़ॉम्बी बन ही जाती। लेकिन वक्त रहते ही चेस वो प्राइवेट कंपनी वाली ज़ॉम्ब्रेक्स उठाकर उसे लगा देता है जिससे वो दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाती है। इनके पास प्रूफ आ चुका था, चेस जल्दी से इसे आके सेंड करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अब जहाँ पर वो थे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। ये ज़ॉम्बीज और किसी ने नहीं बल्कि उनकी साथी ने ही आजाद किए थे। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग एक ऊंची क्रेन पे फंस गए, जहाँ अगर ये पीछे जाते तो पीछे भी ज़ॉम्बीज थे और अगर नीचे जंप करते तो नीचे भी। यही पर बैठे बैठे चेस ने वो वीडियो पब्लिक कर दी। देखते ही देखते वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और अब सभी लोग ये सवाल करने लगे कि क्या वाकई ये वायरस गवर्नमेंट का फैलाया गया है। ये वीडियो वायरल करने के बावजूद भी क्रिस्टल और चेस को बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी, वो लोग बस अपने मरने का इंतजार ही कर रहे थे कि एकदम से इन्हें बहुत सारे बाइक्स की आवाज आई। वही बाइकर गैंग था जिसके लीडर से इनका सामना पहले भी हो गया था। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी रूम भी इन्हीं गैंगस्टर्स ने ही बनाया हुआ था, और अब एक ज़ॉम्बी इन्हीं गैंगस्टर के एक साथी के ऊपर हमला करते हुए उसे मार देता है। ये देखकर ये गैंगस्टर खामोश नहीं रहते और सभी ज़ॉम्बीज को अपने वेपन से शूट करते हुए ये लोग पहुंचते हैं चेस और क्रिस्टल के पास। चेस के सर पे चोट देकर इन्होंने चेस को बेहोश कर दिया और क्रिस्टल को उठा लिया। चेस को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे एक क्रेन के अंदर बांध दिया गया था और ज़ॉम्बीज उसको खाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। गैंगस्टर बड़े मजे से बैठकर ये नजारा दिख रहे थे जैसे सब उन्होंने जानबूझकर लगाया हो। अब ये ज़ॉम्बीज इससे पहले कि उसे खा जाते वो हिम्मत दिखाता है और अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो भी जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो तेजी से यहाँ से भाग गया, जबकि दूसरी तरफ इन ज़ॉम्बीज ने खा लिया उसी गैंगस्टर को जिसने ये सारा तमाशा लगाया था। यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि जॉर्डन का लिंक मीडिया से है। जॉर्डन उनसे जब उस ज़ॉम्ब्रेक्स के बारे में सवाल करती है जिसे हम लोगों को खिलाया जा रहा था, तो ये लोग कहते हैं कि हमें उसमें गड़बड़ का नहीं पता, हमने एक टीम वहाँ भेजी है, वो हमें चेक करके बताएंगे कि आखिर उस सप्लाई में प्रॉब्लम क्या है। अब इसी चीज का पता करने के लिए जॉर्डन जब चेस को कॉल करती है तो वो बताता है कि यहाँ तो कोई मिलिट्री की टीम आई नहीं, और इस बात से जॉर्डन को ऑफिसर के ऊपर ही शक होने लगता है। यहाँ पर जॉर्डन ने चेस को ये भी बताया था कि बॉर्डर खुल चुका है उसकी ही दिखाई न्यूज की वजह से, और अब लोग क्वारंटाइन जोन से सेफ जोन में आ पा रहे हैं। ये सुनकर चेस फोन काट देता है और अब अपने पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करते हुए उस रूम में जाता है जहाँ पर ये सारे गैंगस्टर्स क्रिस्टल को लेकर गए थे। वो क्रिस्टल को बचाने ही यहाँ पर आया था। यहाँ पे गैंगस्टर जो पूरी ताकत से क्रिस्टल को हराने की कोशिश में था, क्रिस्टल उसे अपने पास रखी हुई गन से शूट कर देती है और फिर दूसरे को टांग मारते हुए बचकर फौरन ही चेस के पास पहुंचते हैं। ये दोनों यहाँ से बचने के लिए निकल जाते हैं, जबकि दिखाया जाता है कि अब उन गैंगस्टर्स पर उन्हीं के ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, और ये दोनों अब इन्हीं गैंगस्टर का बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पहले जो ज़ॉम्ब्रेक्स थी उसने लोगों पर असर करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्होंने एक नई मेडिसिन तैयार की है। ये एक डिवाइस है जिसे ज़ॉम्बीज की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसे वो लोग नॉर्मल इंसान बने रहेंगे और रोज रोज उन्हें ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। यहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहीं पर जॉर्डन को सीनियर डॉक्टर आकर बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तुम सही कह रही थी, वो वायरस म्यूटेट नहीं हुआ बल्कि इन लोगों ने ही कोई गड़बड़ी की है, क्योंकि जहाँ पर ज़ॉम्ब्रेक्स की सप्लाईज रखी हुई है वहाँ अभी तक फौजी नहीं पहुँचे और ना ही उन्होंने वो सप्लाईज चेक की, और जब मिलिट्री यहाँ पर आई थी तो उनके पास ये चिप्स ऑलरेडी मौजूद थी, उन्होंने ये बनाई नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोग पहले से यही प्लानिंग करके आए थे। अब ये बात वो सब लोगों को बता नहीं सकती थी तब तक जब तक उसके पास सबूत ना होता। सबूत इकट्ठे करने के लिए वो मिलिट्री ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और चुपके से इस सब की रिकॉर्डिंग भी करने लगती है, जिसका पता ऑफिसर को चल भी जाता है। ऑफिसर ने बिना जॉर्डन को शक में डाले सारे सवालों के जवाब दिए और वो भी बिल्कुल ठीक ठीक। वो अभी सारी बात बताने जाती है डॉक्टर को, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पीछे सोल्जर्स उसे ढूंढ रहे थे। उसे पता चल गया कि मिलिट्री ऑफिसर ने उसको भांप लिया था और अब वो उसे पकड़ कर मारना चाह रहे थे। मरने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है
और चेस को यहाँ की सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद वो वीडियो जो उसने मिलिट्री ऑफिसर की बनाई थी और अपनी ये वीडियो चेस को सेंड करने पे लगा कर अपना मोबाइल न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन के अंदर रख देती है और तभी सोल्जर्स उसे पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर चेस और क्रिस्टल भी क्वारंटीन जोन वाली दीवार के पास पहुंच चुके थे जिसकी दूसरी तरफ अब सेफ जोन तक इन्हें जाना था, लेकिन वो गैंगस्टर जो बच गया था वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लेकर इनके पीछे ही था। वो पहले चारों तरफ स्मोक फेंक देता है जिससे आर्मी को कुछ नजर न आए और फिर एक टाइम बॉम्ब वहाँ पे फेंक देता है ताकि ये लोग तो तबाह हो जाए और साथ ही साथ कुछ ज़ॉम्बीज सेफ जोन के अंदर भी चले जाए। क्या चेस और क्रिस्टल जो ये चीज देख चुके थे वो इस गैंगस्टर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अब टाइम बॉम्ब सेफ जोन में ही फेंक चुका था। चेस जल्दी से उस दीवार को पार करता है और फिर उस बॉम्ब को उठाकर दोबारा दूसरी तरफ फेंकता है जो बॉम्ब जाकर उसी गैंगस्टर के पास गिर गया। ऐसे में जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस गैंगस्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लोग सेफ जोन में आ गए जहाँ आते ही इन दोनों का टेस्ट किया गया। चेस इन्फेक्टेड नहीं था जबकि क्रिस्टल इन्फेक्टेड थी, इसीलिए उसकी बॉडी में वो चिप डाल दी गई जिसे ज़ॉम्ब्रेक्स का नाम दिया गया था। चेस भी जैसे ही मोबाइल ऑन करता है तो उसे बहुत सारी जॉर्डन की कॉल्स मिलती हैं। वो जैसे ही उसे बैक कॉल करता है तो उसका फोन न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन में बज रहा था जिसे उसने उठा लिया जिसकी मदद से उसे सारे सबूत मिल गए और ये भी पता चल गया कि आखिर यहाँ पे क्या कहानी चल रही थी। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मिलिट्री का प्लान कामयाब हो गया था। बहुत से लोगों ने ज़ॉम्ब्रेक्स डिवाइस अपने अंदर लगवा ली थी जिसकी वजह से अब मिलिट्री वाले हर वक्त लोगों के ऊपर नजर रखने वाले थे। ये उनका प्रोजेक्ट वॉच टॉवर था जो उन्होंने मुकम्मल कर लिया था वो भी किसी को भनक लगे बगैर, और यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।